आज बनाए मटन का मज़ेदार सालन, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ग्रेवी मज़ेदार। कुकर लेंगे, 1 किलो गोश्त, 3 टमाटर, 4 दरमियाने साइज़ के प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 टेबलस्पून, 1 कप पानी, नमक, हल्दी, सूख मिर्च पाउडर और थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, ज़ीरा, सूखे धनिया का पाउडर, मोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्चें। बस इन सब को बंद करके प्रेशर कुकर में सीटी दे लेंगे। तकरीबन 3 सीटी आएगी तो ये गल जाएगा। और अभी देखें, यहाँ पे इसमें है काफ़ी पानी। अभी हम आग जला देंगे और इसको पानी को हमने सुखा लेना है। तो बस मज़ेदार सा मटन तैयार होने जा रहा है। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा, इस पर डाल देंगे ऑयल तकरीबन 1/2 कप। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है, अच्छे से भूनो ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह, जो भी इसका कच्चापन है, सब कुछ ख़त्म हो जाए और एक मज़ेदार सा टेस्ट इसका आ जाएगा। तो बस अब हमने इसको अच्छे से तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भून लिया। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दही, 2 टेबलस्पून दही है, उसको मैंने अच्छे से फेंट के फिर शामिल किया है। और फिर दोबारा से हम इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। आप देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो फिर अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं आलू। आलूओं को मैंने मोटे मोटे पीसीस में काट लिया है। आपकी ये चॉइस है, अगर आप आलू डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो अभी आलू मैंने डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको और मज़ीद भून लिया है, ताकि जो आलू है वो भी अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद ये देखें, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उसके मुताबिक पानी डाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 कप पानी ऐड किया है और अब मैं इसको पका लूँगी। दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा प्रेशर दे लूँगी। अगर आप देख लें कि अगर आपको लग रहा है कि गोश्त बहुत ज़्यादा अगर नहीं गला, तो आप इसको गलाने के लिए दोबारा से थोड़ा सा प्रेशर लगा दें। नहीं तो अगर अच्छे से गल गया है तो फिर बस ऐसे इसको ढाँप के 5 से 10 मिनट के लिए दरमियानी आँच पर पका लें। अभी मैंने दोबारा से प्रेशर लगाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि गोश्त थोड़ा सा कच्चा है। तो अब देखते हैं, देखने में ये कितना मज़ेदार लग रहा है। और ये वाकई में बहुत मज़ेदार है। और यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका है और उसका जो अच्छे से सूप होता है ना, वो भी पक के बाहर आ जाता है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सूखे धनिया का पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा लेके मैं हाथ पे मसल के इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आप हाथ पे नहीं मसल रहे तो वैसे ही थोड़ा सा जो है ग्राइंड करके आप डाल दें ज़ीरा, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। डिश आउट कर लेते हैं। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। और ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको बार बार बनाने की फरमाइश आने वाली है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें और बेल बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।